इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहडोल जिले से बड़ी खबर है। थाना अमलाई अंतर्गत ग्राम बटूरा में दो पक्षों में जमकर हुई लड़ाई, कई हुए घायल। महुहारी में आए हुए बाहरी लोगों को बटूरा के लोगों ने जमकर की पिटाई। अमलाई क्षेत्र मामला, आपराधिक तत्वों के ऊपर कई धाराओं और किया गया मुकदमा दर्ज। आई खाने महुहारी दाई तो वहाँ नरियल फोड़ने गए तो उन लोग छेड़छाड़ कर रहे थे, गाली दे रहे थे, मारपीट किए। हम लोग अपने पति भाई को बताए तो उन लोग मारने के लिए दौड़े थे। इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं था, उन लोग भी मारे हैं हमको। अच्छा, आप लोग के पतियों को भारी चोट इन बटरुआ ग्रामीणों की वजह से इनको चोट आई है? हाँ, मैं कोतमा की हूँ, मंजू चौधरी। हम लोग आए थे पुजाई खाने महुहारी दाई, तो मैं जा रही थी मंदिर नरियल फोड़ने, तो चार पांच लोग बैठे थे, शराब पिए थे। तो हम लोग जा रहे थे तो हमको छेड़ रहे थे, बोले कि गाली को लग दे रहे थे। तो मैं बोली कि क्यों गाली दे रहे हो, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो मैं बोली, समझा रही थी, तो उल्टा पुल्टा फिर गाली देने लगे। तो मैं जा रही थी अपने अम्मा लोग को बताने, भैया लोग को, तो फिर वो गए वहाँ समझाने के लिए, तो डंडा लेके सीधे मारपीट करने लगे। अच्छा, आप लोग के साथ मारपीट हुई? हाँ। कितने लोगों के साथ मारपीट किए हैं ये लोग? कम से कम 10-15-20 लोगों के। हाँ। सबके साथ। अच्छा, सभी लोग, आप लोग जो पुजारी खाने गए थे? हाँ। और तो और पुरुषों के द्वारा? हाँ। पुरुषों को सभी को मारा गया है? किन के द्वारा किया गया है? संजय, दीपक, सागर, अरुण, दो अरुण। अच्छा, इन लोगों के द्वारा आपके ऊपर मारपीट की गई है, इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारी या 100 नंबर को दी? हाँ, 100 नंबर को दी, लेकिन नहीं आया 100 नंबर। क्या नाम है तुम्हारा? विजय कुमार चौधरी। क्या हो गया आपके साथ, ये बताइए। मेरे को मारा गया है। किसके द्वारा मारा गया है और कहाँ पर ये आपके साथ ये घटना हुई? ये मोबाइल दाई पे, जहाँ पे तिराहा पे है, मंदिर है, वहीं पे हम लोग क्या आया, जो देवी माता के मंदिर पे पुजाई करने गए थे, तो हमारे घर के सारे फैमिली गए हुए थे और वहाँ हमारे घर के लेडीज और बहन दीदी सभी लोग थे, बच्चे अच्छे लोग। तो वो लोग मंदिर साइड गए दर्शन करने के लिए, तो उन लोग को क्या, वो लोग बटवा के लोग रहे, वो लोग उनको छेड़ते रहे और रगड़ते रहे और गाली उत्तर देते रहे, चिंगार उंगार बोलते रहे, ऐसा सीधा उल्टा सीधा। तो इसके मामले से मैं उनके पास गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, तो मेरे साथ सीधा हाथ पाई करना स्टार्ट कर दिया, मेरे को मारे और मेरे साथ जितने लोग भी आए सब लोग को मारे। आपकी इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारियों को दी? हाँ, मैंने दिया, 100 नंबर पे मैंने कॉल किया और हम बोले कि सर जल्दी आइए, आप जल्दी आइए, उनको दौड़ा दौड़ा मारा जा रहा है। तो वो लोग हमको बोलते हैं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्यों अभी तुम दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो, ऐसा बता रहे हो, ऐसा बता रहे हो। अब आए नहीं हमारे टाइम पे और हमको दूर भागना पड़ा उनके डर के वजह से, नहीं तो हमें और दौड़ा दौड़ा मारते रहे। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे साथ क्या घटना हुई? मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी है, मगेराम भाई दाई, कोतमा का निवासी हूँ। मोबाइल दाई गया रहा, वहाँ देवी पुजारी रहा, वहाँ के लोग, अज्ञात लोग, हम लोग को मारे हैं, बहुत मारे हैं। हमारे बहन बेटी को छेड़ रहे थे, उनको भी दौड़ा दौड़ा के मारे हैं, एक दो लोग के तपोस नहीं आ रहा है, ऐसा मारे हैं। मेरा नाम राम कुशल है, मैं भटिया कुंडवा का रहने वाला हूँ। हमारे जो भांजे हैं मैं भी आ गया था बुलाने तौर से, तो उनको उलपटांग से उल्टा सीधा बोला, बहुत गलत शब्द बोला, गलत शब्द का उपयोग किया था। हम लोग एक समझौते के तौर से गए लेकिन उन लोग नहीं माने, उन लोग मारने शुरू कर दिया और ऐसे मारे कि सीधे सर फट गया किसी, और बाकी लोग सब बेहोश पड़ गए वहीं पे। और 100 नंबर को फ़ोन किया गया लेकिन उन लोग 100 नंबर पुलिस अधिकारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ ना वहाँ पर उपस्थित हुए। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।